गाइस आज करेंगे एक वर्कआउट वीडियो रिगार्डिंग शोल्डर, सो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस वीडियो में, वी विल बी बैक। हे व्हाट्स अप, वेलकम अगेन गाइस, मैं हनुमान, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट फिटनेस चैनल फ्रेशी फिटनेस। गाइस आज की इस वीडियो में मैं शोल्डर के वर्कआउट आपके शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं शोल्डर में कौन कौन से वर्कआउट करता हूँ। गाइस शोल्डर के तीन मसल होते हैं, लैटरल हेड, मीडियल हेड और रियर हेड। इन तीन मसल को अगर सिंपल जबान में बात की जाए तो फ्रंट शोल्डर, साइड शोल्डर और रियर हेड। अब लोग प्रॉपर से इन तीनों मसल्स को ट्रेन नहीं करते हैं, सो गाइस हम हर मसल की दो दो एक्सरसाइजेज करेंगे, आप इन एक्सरसाइजेज को एंजॉय करें, देखें मेरा वर्कआउट के किस तरह से मैं शोल्डर को डेवलप करता हूँ। बहुत सारे लोगों को इंजरी का इशू है, रोटेटर कफ की इंजरी है, उसकी रीज़न क्या है गाइस? उसकी रीज़न ये है कि प्रॉपर से इसको वार्म अप नहीं करते। आपने कैसे वार्म अप करना है मैं वार्म अप भी दिखाऊंगा। शुरू में दो तीन सेट वार्म अप के लगाने हैं जिससे आपका रोटेटर कफ अच्छे से वार्म अप हो जाएगा और आपको इंजरी के चांसेस कम होंगे, फिर आप हैवी वेट भी इजीली लिफ्ट कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सो वार्म अप के लिए मैंने लिए हैं डंबल, जो जिम में सबसे लाइट डंबल है, आपने हैवी चूज़ नहीं करना है, और वार्म अप आपके लिए ज़रूरी है, और वार्म अप में आप लाइट वेट से ही अपने जॉइंट्स को, मसल्स को वार्म अप करेंगे। इसमें वार्म अप के लिए शोल्डर की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये एक्सरसाइज आप फॉलो करेंगे तो अगर आपके पेन भी है शोल्डर में, अच्छे से वार्म अप करने के बाद आपका शोल्डर बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा। इस एक्सरसाइज को आपने ऐसे लगाना है, फ्रंट पे ऐसे लेके आना है, ऊपर मैंने वार्म अप के दो सेट कर लिए हैं। अब मैं लगाने जा रहा हूँ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट। 12 रेपिटेशन होंगे, फ्रंट शोल्डर प्रेसेस होगी ये बारबेल पे, ये आपके इंटीरियर डेल्ट की एक्सरसाइज है। इसके साथ हम साथ में करेंगे साइड डेल्ट और रियर डेल्ट की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट सेट, ग्रिप आपकी शोल्डर वेन से थोड़ी सी बाहर रहेगी, फुल रेंज ऑफ मोशन में पूरा नीचे पूरा ऊपर लेके आना है। इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना है। कुछ लोग ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर लगाते हैं, खड़े होकर लगाने से एक तो आपके बैक पे अननेसेसरी टेंशन होती है, और दूसरा आप जब पुश करते हैं वेट को तो आपकी लेग्स से, काफ मसल से जो हेल्प मिलती है वो नहीं मिलेगी। सो इसको बैठ के ही परफॉर्म करें। स्टूडेंट लगाते हैं हमारा सेकंड सेट। सो वेट इंक्रीज करते हैं। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी एक्सरसाइज करें तो बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें। फ्रेंड्स ये जो एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक बारबेल पे शोल्डर प्रेसेस, आपके रियर डेल्ट मसल, बैक साइड पे जो शोल्डर के मसल होता है, इस मसल के लिए होती है। We'll be right back.
शोल्डर प्रेसेस विद डंबल्स। पहला सेट है 12 रेपिटेशन, इसमें वेट हर सेट में मैं इंक्रीज करूंगा। सिक्स रेपिटेशन फ्रेंड्स, बहुत हैवी वेट था, ये सेट पूरा नहीं गया, अब मैं ड्रॉप सेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब लगा रहे हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जॉइंट सेट होगा, इसमें हम चार एक्सरसाइज लगाएंगे, हर एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन करेंगे, 10 रेपिटेशन, चार एक्सरसाइज, वन जॉइंट सेट। ये जॉइंट सेट को हम 2 और 3 रिपीट कर सकते हैं, मैं 3 करूंगा। सबसे पहले साइडाइजिंग, कंट्रोल फॉर्म में चेस्ट अप, हमने बैक टू बैक 4 एक्सरसाइज की जॉइंट सेट में। अगर आपसे वेट ना लगे, रेपिटेशन कंप्लीट ना हो, तो आप अपने साथ लाइट वेट भी रखें, ताकि आप ड्रॉप करके अपने रेपिटेशन पूरे कर सकें। ये जॉइंट सेट आपके शोल्डर में डेफिनेशन शेप को लेके आएगा। फ्रेंड्स, री एडल्ट के लिए लास्ट एक्सरसाइज 20 रेपिटेशन, आप इसमें वेट ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आपसे वो वेट जो आप रेगुलर लगाते हैं उससे 20 रैप्स नहीं लगते, तो आप इसको वेट को 50% ऑफ करके बट 20 रेपिटेशन लगाने और कंट्रोल फॉर्म पे चेक करें। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा कंप्लीट शोल्डर का वर्कआउट। इसमें मैंने 6 एक्सरसाइजेज की, हर एक्सरसाइज के मैंने 12 टू 15 रेपिटेशन हिट किए, और इसमें मैंने एक्सरसाइज में एक 2 जॉइंट सेट ऐड किए, जॉइंट सेट में मैंने 4 एक्सरसाइजेज बैक टू बैक की बिना रेस्ट के, और 10 रेपिटेशन हिट किए। बहुत इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट था। अगर इसी वर्कआउट को आप फॉलो करेंगे ऐसे ही, तो आप अपने डेल्टॉइड को कंप्लीट डेवलप कर सकेंगे। आप अपने रियर डेल्ट, साइड डेल्ट और फ्रंट डेल्ट तीनों मसल्स को अच्छे से डेवलप कर लेंगे, और शोल्डर की प्रॉपर शेप डेवलप कर सकेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो पे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। सो मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो जाने दें, आपकी मर्जी पे है। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।